आइए इत्मीनान से बैठ के क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है, उस प्रॉब्लम को दूर करके और आप लोगों को एक करने की कोशिश कीजिए। आपको सही लगते हैं 5-6 यूट्यूबर को बुला लीजिए, 10 को बुला लीजिए, दोनों लोग आ जाएंगे, प्रीति भी आ जाएंगी, आप भी आ जाइए। छोटा घाव अगर ज़्यादा दिन तक उसका इलाज नहीं होता है तो वो कैंसर बन जाता है। बोलो दोस्तों, क्या बताएं, वीडियो जब बनाने चलते हैं ना तो चिक 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 ऐसे करते हैं, इसलिए झगड़ा हो जाता है। हमको भी ऐसा लग रहा है कि हमको भी कहीं जाना पड़ेगा, इनसे दूर रहेंगे तभी मालूम पड़ेगा। दोस्तों ये बताएं, मियां बीबी का झगड़ा 2-4 दिन 8 दिन चलता है, 1-1 महीना 15-15 दिन झगड़ा नहीं चलता है। बताइए क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। प्यार से भी समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं लोग, और अगर विरोध में वीडियो बनाएंगे तो गाली सुनने के लिए मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या बताएं दोस्तों, हम ऐसे जगह बस गए हैं, पी पी गाड़ी मोटर जैते रहा, हम तो मत जौनो दिमाग का काम ना करे वाला रहला, तो उन्होंने काम कर रहा, समझी में ना हम करी का, अब शांत हो गाड़ी मोटर। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि हम इतने प्यार से स्पेशल प्रीति जी को हम वीडियो बना कर डाले थे, कि वीडियो बहनी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सूरज बाबू के पास जाइए। सूरज बाबू का तबीयत खराब, उधर वो वीडियो डाल रहे हैं, ये इधर प्रीति का तबीयत खराब है, एकदम रो रो के आँख मुँह एकदम लाल हो जा रहा है, उनका शॉर्ट वीडियो देख के और दिमाग खराब है। तो बताइए ये दोनों के बीच में चल क्या रहा है, हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ये लोग चाहते क्या है। आप लोग को समझ में आ रहा है, बताइए। ये भी नहीं है कि 6 महीना 1 साल 2 साल साथ में ये लोग ज़िंदगी काटे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गया कि ये लोग साथ में रहना नहीं चाहते। 4 दिन के शादी में इन लोग के साथ ऐसा कौन सा काम और कौन सा ऐसा बात हो गया कि ये लोग अलग हो गए हैं, आप ही बताइए। अगर हम कहीं भी गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा। प्रीति जाने के लिए तैयार नहीं है, सूरज बाबू जो हैं वो तो जो बोलना है वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन प्रीति मानने के लिए तैयार नहीं। सूरज बाबू बोल रहे हैं वो जहाँ हैं तहाँ खुश रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। वो भी बोल रही है कि उनके साथ वीडियो नहीं बनाएंगे, वो अपना वीडियो बनाए। क्या बताए, समझ में नहीं आ रहा कि हम इन लोग को कैसे समझाएं, कुछ समझ में आपको आ रहा है। दोस्तों समझाया उसको जाता है जो समझने लायक है। अब सूरज प्रीति हमारा वीडियो देख के थोड़ा गुस्सा होंगे तो होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना ज़्यादा जो ये लोग YouTube पर छिछलेदर कर दे रहे हैं कि कोई किया ही नहीं था, एक मालती चौहान विष्णु थे, अब दूसरे ये लोग हो गए हैं। शादी हुआ 4 दिन के बाद झगड़ा किए, मना जुना के लाए, 2 दिन रहे, फिर झगड़ा हो गया, अब ये अपने घर से रो रही हूँ, अपने घर से रो रही हैं, अलग वीडियो बना के डाल रहे हैं, वो अलग वीडियो बना के डाल रही हैं। और जिसको साला बोलने की औकात नहीं है, जिसको सही से काम करने की औकात नहीं है, वो भी आज इन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि ये लोग न्योता दे रहे हैं, ये लोग न्योता बांट रहे हैं, सूरज और प्रीति सबको न्योता बांट रहे हैं, कहीं न्योता लो और मुझे गालियां दो और मेरे विरोध में तुम लोग वीडियो बनाओ। क्या कोई इनके सपोर्ट में वीडियो बनाएगा? किसी की बात ये लोग मानने वाले तो हैं नहीं, खाली अपना सबसे बड़े होशियार सबसे बड़े ज्ञानी यही लोग हैं, खाली अपना सुनाया जा रहे हैं। इनको इन लोगों को समझा के दोस्तों मैं पागल हो गया हूँ, और मैं ही नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर चंदा भाभी भी देखिए वीडियो बनाई है, राधा राज भी वीडियो बनाई है, सभी लोग वीडियो बनाए। यही लोग दो लोग ऐसे हैं कि जो खाली यूट्यूब पर शादी किए और कोई शादी नहीं किया है, ये लोग प्यार किए हैं और शादी किए हैं, ना कोई प्यार किया है ना शादी किया है, बस इन्हीं लोग के जिंदगी में तनाव हो गया है। बांट रहे हैं कि यह दूजने ऐसा यूट्यूब पे बांट रहे हैं कि जो शादी कैले बा और क्यों शादी ना कैले बा, प्यार कैकी सिखावत हूँ दुनिया भर के। पूनम मोनू कैले बाटे वो लोग के, दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं की वो लोग कैसा है। पूनम मोनू की है, राधा राज की है, और यही छुटकी की है, सबका लगभग सब लोगों का लव मैरिज ही है, लेकिन इतना ज्यादा नौटंकी किसी के लव मैरिज में नहीं हुआ था। दोस्तों हम तो शुरू में कह रहे थे कि ये लोग जो भी है इनकी ज़िंदगी में हकीकत हो रहा है, व्यूज के लिए नहीं कुछ हो रहा है। अगर अभी भी हकीकत भी होगा तब भी लोग कोई यकीन नहीं करेगा कि ये लोग व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे बड़ा घटना हो जाए तो क्या करेंगे आप? और इससे मजाक में जिस दिन हकीकत हो जाएगा उस दिन क्या करेंगे? अभी मान लीजिए सूरज अपने घर से कह रहे हैं प्रीति आ जाओ, प्रीति मान जाओ, और प्रीति अपने घर से कह रही है, वो अपने घर से कह रहे हैं कि हमको प्रीति के साथ नहीं रहना, ये कह रहे हैं हमको सूरज के साथ नहीं रहना। लेकिन अभी प्रीति और सूरज में से कोई भी अपने आप को कुछ कर ले तो कौन जिम्मेदार होगा उसका?
उसके बाद तो ये होगा कि सब यूट्यूबर लोग मिल के मारे हैं सब यूट्यूब। अरे भाई यूट्यूब है, यूट्यूब फैमिली है, कुछ भी अगर यूट्यूब पे नया पुराना होगा तो उस पर वीडियो तो बनेगा ही। कोई विरोध में वीडियो बनाएगा, कोई सपोर्ट में वीडियो बनाएगा, कोई समझा के वीडियो बनाएगा, तो वीडियो तो बंद नहीं होगा। आप वीडियो डालेंगे, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया पर लाएंगे तो हम लोग का वही काम ही है। अरे एक बार दो बार प्यार से समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो विरोध में वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगे? इतना कमेंट हमारे पास आ रहा है, इतना लोगों का कमेंट आ रहा है, भैया उन लोगों को समझाइए, भैया उन लोगों को समझाइए, हाँ। एक साथ करिए, जाइए मिलिए, कहाँ जाए कहाँ मिले, केहू ईर घाट केहू बीर घाट। फोन नहीं उठा रहे हो तो समझाने की फोन उठाओ, फोन समझाया जाए। जो बंदा एक बार फोन करने पर फोन नहीं उठता था कॉल बैक करता था, जो मेरे पास खुद फोन करता था, आज उसके पास हम लोग फोन पर फोन कर रहे हैं, अगला फोन नहीं उठा रहा है। अब बताइए हम लोग क्या, हम लोग क्या समझे, कि नाटक समझे कि असलियत समझे? जिसको तकलीफ दुख रहता है जरूर बात करता है कि हाँ हमको ये दिक्कत हम है, वो परेशानी है। फोन उन लोगों से कर रहे हैं या तुम लोग सुन देख भी रहे हो, हम फोन इसलिए कर रहे हैं भाई कोई अगर होगा तो जाएंगे समझाएंगे बुझाएंगे, तुम दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, मिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भैया आप लोग फोन उठा ही नहीं रहे हो। कोई ऐसा दिन नहीं है कि फोन ना हम लोग लगाए, क्यों जने ये हर नाते बाते घर होना ही बाटा सब ने, घर द्वार देख ली बाटी घर होना ही बाटा सब ने। अब जकर यहाँ पहुंची, जकर यहाँ पहुंची तो हमें बेइज्जत की इज्जत का हुई कि बड़का आ गया तू समझाए वाला, जब फोन ना उठा सब कुछ सोचे समझे पड़ा ना। दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि आप भैया जाइए सूरज प्रीति को मनाइए, सूरज प्रीति को एक करिए, हम उन लोगों से कह रहे हैं अगर सूरज और प्रीति अपने घर पे होते या कहीं किराए पे होते तो मैं जरूर जाता मनाता, या फिर वो लोग हमसे बात करते तब भी मैं जाके उन लोगों को मनाता, लेकिन आज दोनों लोग दूसरे के घर पे हैं, दोनों लोग दूसरे के घर पे हैं। अभी मान लीजिए हम उनके घर पर जाएंगे मनाने के लिए तो जिसके घर पे हैं वो लोग हमको कह दें कि तुम आगे बहुत मनाने वाले का लगते हो, क्या है क्या नहीं है, तो हमको देखिए जहाँ हम हमारा ही मान सम्मान, अगर कोई हमको इस तरह का शब्द कहेगा तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ ये लोग आज बोल रही हैं और चंदा भाई भी बोल रही हैं, एक बार नहीं समझेंगे वीडियो के माध्यम से, वो लोग जाएंगे सच्चाई का पता लगाएंगे क्या सही है क्या गलत है। एक बात हम बता रहे हैं बाबू, इतना तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं, जितना भी वीडियो बनाए सब तुम्हारे सपोर्ट में ही बनाए, तुमको समझा करके ही बनाए हैं, लेकिन अगर कहीं ये बात खुलकर आ गई कि सामने आप लोग नाटक कर रहे हो व्यूज के लिए तो उतना ही विरोध में वीडियो बनेगा ये जान लीजिएगा, क्योंकि मैं लड़ा हूँ आप लोगों के लिए, मैं लड़ा हूँ दूसरों से कि ये सही है, ये सही है, इसको आप लोग नाटक मत कहिए, इनकी जिंदगी में जो भी घटनाएं हो रही सही हो रही है, कमेंट के माध्यम से इनका सपोर्ट करिए, इनके सपोर्ट में वीडियो बनाइए। अब कल को अगर पता चलता है कि आप लोग वास्तव में ऐसा कुछ व्यूज के लिए कहे हैं तो फिर मेरे पास जो कमेंट आएगा और मेरे पास जो भी मतलब वीडियो आएगा तो उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, फिर आप लोग बुरा मत मानिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं अगर ये आप लोग नाटक ही कर रहे हैं तो इसको ख़त्म कर दीजिए, और हकीकत में है तब भी इसको ख़त्म करने की आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि मैं तब भी कहा था एक वीडियो में अब भी कह रहा हूँ, छोटा से छोटा घाव अगर ज़्यादा दिन तक उसका इलाज नहीं होता है तो वो कैंसर बन जाता है। तो ये जिस झगड़े को आज तुम लोग छोटा समझ रहे हो ये छोटा नहीं है, ये छोटा से छोटा झगड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा और ये जिस दिन कैंसर हो जाएगा लाइलाज बीमारी है और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी दोनों लोगों की, एक लोग एक की नहीं दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है तुम लोगों में, और जो समाज में इज्जत मिलता था फिर आप लोग निकलेंगे बोले रे इन लोग के झगड़ा हमेशा ये लोग में होला, इतना अच्छा जोड़ी था, इतना तुम लोगों का नाम होता था कि सूरज प्रीति बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, सब बना बनाया किया कराया सब नाम मिट्टी में मिला दे रहे हो तुम लोग, बस इसी दो चार दिन में लिए ठीक है सब मिट्टी में मिल जा रहा है। जो लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते थे वो लोग आज उंगली उठा रहे हैं, 100 दिन की इज्जत एक घंटे में खत्म कर दे रहे हो, 100 दिन की बनाई इज्जत जो है एक मिनट में तुम लोग खत्म कर दे रहे हो, तो सोच समझ के अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे अपने से जो तुमसे छोटे यूट्यूबर है उनका देख लो, सुना प्रीति लंदन विदेश ना ही बाटी, जब भोलू के जाना ला तो उन्हें के लगे चले जाने अनावती होता तो जेके तू अपन खास समझता जे एकदम समझाए जेकर बात प्रीति माने, राधा राज के बोला ला, चंदा भाभी बोला ला, गुरुप्रिया भौजी तो हाथ लगेंगे ना कायक भाई एक बार उनके कलंक लग दिल बा, निशा जलवंशी के बोला ला, रेणू के बोला ला, ये सब मिल के लोग समझौता कर ला ना। अगर मान ले ना के सेल्फ ले बात अपने यूट्यूबर भाई लोगन से बोला ले सर नंबर सबके लेके बटले वीडियो मत डाला नंबर बटले बोला ले तू आ जा प्रीति भी आ जा और दो चार दस जने आके देखा। जब कोई मैटर पति पत्नी का झगड़ा या कोई भी झगड़ा पारिवारिक विवाद जब शांत नहीं होता है तो वहाँ पे पंचायत इकट्ठा होती है, गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं और पंचायत में दोनों लोगों की बातें सुनी जाती है और पंचायत में दोनों लोगों की बातें सुनी जाती है और उसके बाद वो पंचायत निर्णय निकालते हैं कि ये सही है ये कल गलत है और वही निर्णय मानना पड़ता है।
तो अगर आप लोगों को आपस में नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग नहीं आपस में समझौता कर पा रहे हैं, अगर पंचायत हम नहीं कह रहे हैं, आप दो चार यूट्यूबर को बुला लीजिए जिसको आप लोग अपना समझते हैं, जिसको सही समझते हैं, दो चार पांच यूट्यूबर को बुला लीजिए, अगर बुलाएंगे तो हम भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप चंदा भाभी हैं, राधा राज हैं, मोनू है, पूनम है, मतलब जो भी आपको सही लगते हैं, किसी को बुला, जो भी आपको सही लगते हैं, पांच छह यूट्यूबर को बुला लीजिए, 10 को बुला लीजिए, दोनों लोग आ जाएंगे, प्रीति भी आ जाएंगी, आप भी आ जाइए, सब लोग आइए, इत्मीनान से बैठ के क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है, उस प्रॉब्लम को दूर करके और आप लोगों को एक करने की कोशिश की जाएगी। और रही बात न केहू ऐसा मियाँ बीबी ना बाटा जोड़ी उनके में तूतू में मे न हो, झगड़ा तूतू में सबके घरे होला, क्योंकि पर्दा में रह जाला, क्यों के समाज में आ जाला, क्यों के कोर्टों कचहरी तक चल जाला, भी पति पत्नी के झगड़ा इतना लंबा ना चलाला, ठीक है, चार दिन सुबेरे झगड़ा होई, शाम के खत्म हो, शाम को तो सुबेरे खत्म हो, दो चार घंटे में खत्म। और खास तौर पे यूट्यूबर जो उन्होंने जेके करियर बनाए रहा, तू सब तो सब्सक्राइबर बहुत बड़ा हुआ, लेकिन अनुभव हम बता दें कि जिसको करियर बनाना होता है यूट्यूबर या किसी लाइन में, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो झगड़ा एक किनारे करते हैं, लेकिन अपने वीडियो पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो अपना करियर भी बर्बाद कर रहे हैं, इज्जत भी बर्बाद कर रहे हैं, हर तरफ से आप लोग बर्बाद हो रहे हैं, कितना व्यूज आ जाएगा, कितना पैसा कमा लेंगे आप लोग, इज्जत से बढ़ के पैसा और व्यूज बतावा। तो दोस्तों चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है, बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, कैसी हमारी राय, कैसा हमारा डिसीजन और क्या ये निर्णय सही है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।